हर साल आईपीएल प्रशंसकों को कम से कम एक शानदार फिनिश देखने को मिलता है और ये अलग नहीं था जब राहुल तेवतिया ने धुआंधार बल्लेबाजी करके गुजरात टाइटंस को पंजाब किंग्स के खिलाफ एक अविश्वसनीय जीत में मदद की। 190 रनों का पीछा करते हुए टाइटंस को अंतिम ओवर में 19 रन चाहिए थे और ये बिना रोमांचक स्तर पर गए समाप्त नहीं हो सकता था। ये टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला था और गुजरात को ऐसा लग रहा था कि शुक्रवार की रात ब्रेबोर्न स्टेडियम में कुछ अनोखा करेंगे। ओडियन स्मिथ को आखिरी ओवर में बचाव का काम सौंपा गया था और उन्होंने ओवर की शुरुआत अच्छी तरह से की। एक डॉट गेंद के साथ भी एक अच्छी तरह से सेट कैप्टन हार्दिक पांड्या को रन आउट किया। क्रीज पर मौजूद नए खिलाड़ी तेवतिया ने फिर एक सिंगल लेने में कामयाबी हासिल की और अगले दो गेंदों में 2 छक्के लगाकर मैच में जीत हासिल की। इसके बाद तेवतिया बेतहाशा जश्न मना रहे थे जबकि स्मिथ घुटनों के बल नीचे बैठकर अफसोस जता रहे थे। किंग्स के कप्तान मयंक अग्रवाल निराश स्मिथ को सांत्वना दे रहे थे। खैर, वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शायद अपने बाकी क्रिकेट करियर के लिए ओवर की चौथी गेंद पर अपनी ना समझी के पारी में सोचेंगे। अगर उन्होंने रन आउट कर दिया होता तो तेवतिया 2 छक्के नहीं लगाते। जब उनसे पूछा गया कि आखिरी ओवर के रोमांचक पल के दौरान उनके दिमाग में क्या चल रहा था तो हरियाणा में जन्म क्रिकेटर ने कहा कि वो इतना नहीं सोच रहे थे। तेवतिया ने कहा, अंतिम ओवर में सोचने के लिए बहुत कुछ नहीं था, हमें बस छक्के मारने थे और यही मैं और डेविड मिलर करने की बात कर रहे थे। मुझे पता था ओजन मेरे लिए बाहर की ओर गेंदबाजी करेंगे, फिर मैंने पढ़ा और छक्के मार दिए। ये पहली बार नहीं था जब तेवतिया ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया हो। आईपीएल 2020 से पहले ऑलराउंडर को दिल्ली कैपिटल्स से राजस्थान रॉयल्स में खरीदा गया था। 2014 में आरआर के साथ आईपीएल में डेब्यू करने वाले तेवतिया के लिए ये एक तरह की घर वापसी थी। उस सीजन में उन्होंने आरआर के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 255 रन बनाए जिसमें 31 गेंदों में 53 रन की यादगार पारी शामिल थी, जहां उन्होंने एक ओवर में 5 छक्के लगाए और 10 विकेट लेकर भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई थी। चल रहे आईपीएल सीजन में भी तेवतिया ने नाबाद पारी खेली। चेस करते हुए गुजरात टाइटंस को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 5 विकेट से जीत के साथ अपना आईपीएल 2022 अभियान शुरू करने की मदद की। आईपीएल 2022 मेगा नीलामी में हार्ड हिटिंग फिनिशर को टाइटंस ने 9 करोड़ रुपए में खरीदा था। आरसीबी, सीएसके और जीडी तीनों टीमें ऑलराउंडर के लिए बोली लगा रही थी और गुजरात ही उन्हें खरीदने में कामयाब रहा। आईएनएस रिपोर्ट।